क्या होता है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, यहाँ पर ना एक एक बहुत मज़ेदार डायलॉग है, जब भी कहीं जाते हैं, किसी में शादी में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, पहले तो लोग मेरे को देख करके दूर से कहते थे ये लड़का पूरे खानदान का नाम डुबो देगा। मुझे समझ नहीं आता था पूरे खानदान का कैसे डुबोगा, अपने माँ बाप तक तो समझ आता है, उनका कैसे डूबेगा जो मेरे दूर दूर के रिश्तेदार हैं। तो अब उसके बाद में क्या होता है वहाँ पे, अब वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, यार ये मेरा बेटा है, इसको जरा कोई लाइन बता दो ना, लाइन बता दो। कैसे लाइन बता दे भाई, कौन सी लाइन बता दे? देखो क्या करना है कि एक बच्चा है जो बचपन से, जब से बड़ा हुआ है, उसका एक ही शौक था, पहले गाड़ियां खोलता था और खोल करके जोड़ देता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कंप्यूटर खोलता है, खोल करके जोड़ देता है, बड़े से बड़ा टीवी उससे खुलवा लो जोड़ देता है, और जा करके एक दिन उसको कहा गया कि बेटा सीए कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले किसी ने सीए करा था, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई कनेक्शन है? यस और नो? नो। तो अब अगर वो सीए करेगा तो सीए करना उसके लिए मेहनत है, और वो जाने अनजाने में फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, या तो सीए कर ही नहीं पाएगा, और किसी वजह से कर गया 5-6 साल में 10 साल में, तो उसके बाद भी क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अगर वो ही करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो एरोप्लेन भी खोल के जोड़ देगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो। यस और नो? यस। कोई भी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप किसी को भी उठा करके, किसी की भी स्टोरी उठा करके देख लो, जो कहता है कि यार मेरे को ये काम करना पसंद नहीं है, जिसका वहां बैठने का भी मन नहीं है, 5 मिनट और 8 घंटे तक बैठा हुआ है, मंडे ब्लूज जिसको बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे वाले दिन होते हैं, पता नहीं सच है या नहीं है। तो किसी को भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, उसने वही किया जिसमें उसको मजा आता है, या जो कर रहा था उसी को मजे ले लेकर करता रहा और आगे बढ़ गया।